हमारे चैनल अहमद इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए और आप हमारे साथ बने रहें। हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपकी आँखों के बारे में। यहाँ पे हम आपकी आँखों के बारे में कुछ आपको ऐसा बताने वाले हैं जो शायद कि आपने कभी सुना हो या आपने कभी ऐसा सोचा हो कि ऐसा भी हो सकता है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पे वर्ल्ड साइट डे के बारे में कि वर्ल्ड साइट डे होता क्या है और कौन वर्ल्ड साइट डे सेलिब्रेट करते हैं, कौन लोग हैं जो वर्ल्ड साइट डे सेलिब्रेट करते हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर नेक्स्ट नोटिफिकेशन ईजी मिल पाए, जिससे कि आप हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। क्योंकि हम आपके लिए कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड साइट डे के बारे में कि वर्ल्ड साइट डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाते हैं इसको। तो वर्ल्ड साइट डे बेसिकली एक जो आइज़ का डिपार्टमेंट होता है हमारा मेडिकल में, जो आइज़ का डिपार्टमेंट होता है, वो आइज़ के डिपार्टमेंट के लोग जो भी होते हैं वो वर्ल्ड साइट डे सेलिब्रेट करते हैं। ये सन 2000 से सेलिब्रेट होता चला आ रहा है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपकी आंखों के बारे में बताया जाता है, आपको आपकी आंखों के बारे में आपको अवेयर कराया जाता है। बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं आपकी आंखों के बारे में। और ये मनाया कब जाता है, ये मनाया जाता है हर साल में जो अक्टूबर आता है, अक्टूबर में सेकेंड वीक का जो थर्सडे आता है, उस थर्सडे को ये वर्ल्ड साइट डे मनाया जाता है। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं आपकी आंखों के बारे में कि आपको अपनी आंखों को कैसे सेफ रखना है, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं इस वर्ल्ड साइट डे वाले दिन में। और हम चलते हैं अपनी आंखों की तरफ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी आंखों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपने कभी सुनी हो, और अगर आप जैसी सुनेंगे तो आप ये ज़रूर सोचेंगे कि ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन ऐसा हो सकता है, ये रियलिटी है, ये सच है। ठीक है, आप देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास आपकी आंखों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि कौन से कलर की आइज़ वाले लोग ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं। क्या आपको ये पता है, क्या आपको ये पता है कि आपकी जो आंखें होती हैं, जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, जो आप कॉन्टैक्ट लेंस आप यूज़ करते हैं अपनी आँखों के लिए, वो कॉन्टैक्ट लेंस कभी आपके आँखों के पीछे जा सकता है क्या या नहीं जा सकता है? क्या आपको ये पता है, क्या आपको ये पता है कि सबसे बड़ी आइज़ कौन से जानवर की है इस दुनिया में? क्या आपको ये पता है, क्या आपको ये पता है कि सबसे कलर ब्लाइंडनेस किसको होती है, मेल को या फीमेल को, किसको होती है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं अगर आपको बताता हूँ कि इस दुनिया में जो है, आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉमन आइज़ का कलर कौन सा है। हम इंसानों में सबसे ज़्यादा जो आइज़ का कलर होता है वो ब्राउन होता है, ब्लैक नहीं होता है, ब्लू नहीं होता है, ब्राउन सबसे ज़्यादा कलर होता है। तो ये एक फैक्ट है और सर्वे हुआ था उसमें पाया गया है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि ब्लू कलर की आइज़ वाले लोग जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूके में पाए जाते हैं। मतलब यूके में सबसे ज़्यादा लोगों की आइज़ जो होती हैं ब्लू होती हैं। तो आपने कभी ब्लू आइज़ वाले लोग देखे हैं क्या, जिनकी आँखें ब्लू हैं? मैंने तो नहीं देखे हैं। अगर आपने देखे हैं तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि सबसे ज़्यादा अल्कोहलिक कौन से आइज़ वाले लोग होते हैं, मतलब किस कलर की आइज़ वाले लोग सबसे ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं। एक सर्वे में निकल के आया है यहाँ पे कि जिनकी आइज़ ब्लू होती है वो सबसे ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं। अगर आपके दोस्तों में भी किसी की आइज़ ब्लू है या रिलेटिव में किसी की आइज़ ब्लू है तो क्या वो भी अल्कोहलिक है? अगर है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, नाम मत लिखिएगा, बस ये बताइए कि हाँ ये सही है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि कई लोगों का ऐसा कन्फ्यूजन रहती है कि जो भी कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं हम, वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस कई बार हमारी आंखों के पीछे जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो मैं बता दूं आपको कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, कभी भी हमारा कोई भी कॉन्टैक्ट लेंस हमारी आँखों के पीछे नहीं जा सकता है। क्योंकि हमारे आइज़ का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह बना हुआ है कि कोई भी चीज़ हमारी आँखों के पीछे नहीं जा सकती है, वो आगे ही रहेगी। तो बेफिक्र होकर कॉन्टैक्ट लेंस लगाइए अगर आप यूज़ करते हैं, और कॉन्टैक्ट लेंस की काफ़ी सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको किस तरह कॉन्टैक्ट लेंस लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं हमने आपको उस वीडियो में, तो जाके आप कॉन्टैक्ट लेंस की वीडियो भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि जब हम बच्चे रहते हैं और फिर जब हम बड़े होते जाते हैं धीरे 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 धीरे, तो हमने देखा है कि हमारे कान बड़े होते हैं, हमारी नाक बड़ी होती है, तो क्या हमारी आइज़ भी ऐसी बड़ी होती होगी धीरे धीरे? तो ये ऐसा नहीं होता है। हमारी जो आइज़ होती है, आइज़ का साइज़ जो आपका बचपन में रहता है वही आपका जब आप बड़े भी हो जाते हैं, बूढ़े भी हो जाते हैं, तब भी उतना ही साइज रहता है। आइज़ का साइज़ कभी चेंज नहीं होता है।
ये भी एक सोचने की बात है कि आइस का साइज़ सेम रहता है और बाकी सारी चीज़ों का साइज़ बढ़ता रहता है। अगर बढ़ते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि जितने भी बच्चे होते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं 1 महीने के 2 महीने के, उनमें क्या होता है कि उनको कलर की पहचान नहीं होती है। स्टार्टिंग में उनको कलर की पहचान नहीं होती है। वो इस बीमारी को मैंने आपको बताया था पहले भी एक बार कि कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप कलर ब्लाइंडनेस के बारे में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता रखी है मैंने आपको कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, ये किस तरह चेक करते हैं, किस किस चीज़ों में काम आता है, ये कहाँ कहाँ काम आता है। बच्चों में क्या होता है, बच्चों को ये कलर ब्लाइंडनेस होती है स्टार्टिंग में, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इनको पता चलता जाता है कि रेड कलर कौन सा है, ग्रीन कलर कौन सा है, येलो कलर कौन सा है, ब्लू कलर कौन सा है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इनको पता चलती जाती हैं। अगर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि जो भी हमारे कलर ब्लाइंडनेस होती है, जो कलर को हम पहचान नहीं पाते हैं, ये सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाई जाती है, मेल के अंदर या फीमेल के अंदर? तो यहाँ पे एक रिसर्च में ये पाया गया है कि सबसे ज़्यादा मेल के अंदर पाई जाती है। और ये सोचने की बात है कि मेल के अंदर क्यों होती है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो अगर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है, जो भी न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको क्या रोना आता है? एक्चुअल में मतलब जो रोते हैं वो उनको रोना आता है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको रोना नहीं आता है। एक्चुअल में क्या होता है कि एक्चुअल में उनके आंसू नहीं निकलते हैं, उनके आंसू ही नहीं निकलते हैं, कम से कम उनके 6 वीक तक आंसू नहीं निकलते हैं, उसके बाद उनके आंसू निकलना स्टार्ट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उनको रोना नहीं आता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे बच्चे जो होते हैं उनको 6 वीक तक आंसू नहीं आते, उसके बाद इनको आंसू आना चालू हो जाते हैं। जैसे ही आपकी एज काफ़ी आप ओल्ड होते जाते हैं, वैसे वैसे ही जो आपके टीयर्स हैं वो प्रोड्यूस होना कम होते जाते हैं, ये भी एक फैक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि क्या आप लोग ये जानते हैं कि आपकी आइज 1 मिनट में कितने बार ब्लिंक करती है? कि आइज 1 मिनट में 10 से 12 बार ब्लिंक करती है, ठीक है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि 1 साल में आपकी आइज कितने बार ब्लिंक करती होगी? तो एक रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर आप इन सबको इंटू कर देंगे तो 1 साल में आपकी आइज 4 मिलियन बार ब्लिंक करती है। 1 साल में आपकी 4 मिलियन बहुत होता है, 4 मिलियन बार ब्लिंक करती है आपकी आइज। लेकिन साथ ही यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपके जो एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसकी 1 मिनट में 2 बार ब्लिंक करती है, 1 मिनट में 1 से 2 बार ब्लिंक करती है उसकी आइज बस खाली। और एक जो अडल्ट पर्सन होता है उसकी 1 मिनट में 10 से 12 बार ब्लिंक करती है। तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी बार एक बच्चे की आइज ब्लिंक कर रही है, और मैंने आपको बड़े की तो बताई दी, कम से कम 4 मिलियन बार 1 साल में आपकी आइज ब्लिंक करती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि आपका जो कैमरा होता है फ़ोन का, आज के इस टाइम पे कैमरा बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है कि इतने मेगापिक्सल का आ गया, 48 मेगापिक्सल का, 64 मेगापिक्सल का, लेकिन जो आपकी आइज़ है उसका आपको पता है कि वो कितने मेगापिक्सल की होती है? कि आपने वो कभी सोचा है कि आप इतनी दूर की चीज़ें इतनी क्लियर इतनी आराम से कैसे देख लगते हैं? आपकी आइज़ का जो मेगापिक्सल्स है वो 576 मेगापिक्सल्स की आपकी आइज़ होती है। 576 मेगापिक्सल कोई भी कैमरा इसको टक्कर नहीं दे सकता आज के टाइम पे भी, और इसको आगे के कई सालों तक कोई भी कैमरा इसको टक्कर नहीं दे पाएगा, आपकी आइज़ को कोई भी कैमरा टक्कर नहीं दे पाएगा। हम बढ़ते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, नेक्स्ट फैक्ट हमारा ये आता है कि जो किसी आपने एक ऐसे इंसान को देखा है जिसकी दोनों आँखों का कलर डिफरेंट हो, ऐसे लोग भी होते हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि शायद ऐसा गलत कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी दोनों आइज़ का कलर डिफरेंट होता है, और उन लोगों को हम क्या कहते हैं, उनकी आइज़ को हम क्या कहते हैं, उनकी आइज़ को हम कहते हैं हेटरोक्रोमिया, उनकी आइज़ को हम कहते हैं। तो अगर हम बढ़ते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर हमारा, और ये सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा। तो उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर नेक्स्ट शूटिंग नोटिफिकेशन ईजिली मिल पाए, जिससे कि आप हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि आज तक दुनिया की सबसे बड़ी आइज़ का साइज क्या है? आपकी जो आँख होती है उसका साइज होता है 1 इंच, तो जो दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ी हो सकती है उसका 2 इंच 3 इंच 4 इंच हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका साइज जो है उसका साइज 11 इंच है। वो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि 11 इंच इस जानवर की जो आँख होती है 11 इंच की होती है, मतलब आपसे 10 गुना आँख बड़ी है। सोचिए हमारी एक छोटी सी आँख होती है इतनी बड़ी, और वो 11 इंच की आँख कितनी बड़ी हो सकती है।
अगर आप एक अंदाज़ा लगाते हैं तो हो सकता है कि आपके चेहरे के बराबर हो सकती है वो आँख। तो कितनी अजीब सी लगी, कितनी डरावनी लगती है वो आँख। तो ये कुछ फैक्ट्स थे हमारे आँखों के बारे में जो कि शायद आपको नहीं पता होंगे, लेकिन अब आपको पता है। और ऐसी बहुत सारी ऐसे फैक्ट्स लेके आने वाले हैं आपके लिए जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलने वाली है यहाँ पे। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वारीज हो, प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम उसका आंसर जरूर देंगे। और जो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उसको भी कमेंट में लिखिएगा अगर आपको उसका आंसर पता हो, ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिए और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।